ये खबर ग्वालियर से है, जहां एसपी कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक महिला रोते बिलखते हुए आई और बेहोश होकर गिर गई। होश में आने पर महिला ने अपनी चाची और चचेरे भाई पर प्रताड़ना देने का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्वालियर में मंगलवार को एसपी ऑफिस में जनसुनवाई चल रही थी और इस दौरान ग्वालियर की कविता नाम की युवती अपनी शिकायत लेकर पहुंची। जब किसी ने उसकी बात नहीं सुनी तो युवती नीचे आकर जोर जोर से रोने लगी। जब पुलिस के लोग उसे समझाने पहुंचे तो वो बेहोश होकर गिर पड़ी। होश में आने पर महिला सीएसपी किरण अहिरवार ने कविता की काउंसलिंग कराई, जिसमें कविता ने बताया कि 2013 में उसके माता पिता की मौत के बाद से मानसिक रूप से परेशान है, उसका इलाज भी चल रहा है। माता पिता के जाने के बाद वो अपने चाचा चाची के साथ रहती है। तो जनसुनवाई में एक महिला आई थी और कविता मुंजाल करके नाम है उसका, जिसका कहना था कि 2013 में उसके माता पिता का देहांत हो गया, तब से वो अकेली रह रही थी अपनी चाची के साथ। और 2013 से ही जब उसके माता पिता का देहांत हुआ तब उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था पूरी तरीके से। फिर उसका इलाज चला, डॉक्टर शास्त्र मैडम है कोई यहाँ ग्वालियर में रहने वाली हैं, 2013 में तब से इलाज चल रहा था। बीच में बोल रही थी ठीक हो गया था, 2017 में उसकी शादी हुई। शादी के बाद वो कुछ दिन ग्वालियर में रही, फिर इंदौर चली गई अपने पति के साथ। पति इंदौर में रहता है, पति से वर्तमान में उसका तलाक का केस चल रहा है। पूर्व में इसने केस लगाया होगा 498 का, इसने महिला ने बताया है। तो पति से भी महिला प्रताड़ित थी और मानसिक रूप से भी संतुलित नहीं थी ये महिला। और आज जन सुनवाई में आई थी, अपनी व्यथा सुना रही थी कि चाची इसको गाली देती है, इसके बच्चे इसका 6 साल का बच्चा है, बच्चे को भी गाली देती है, ऐसा उस महिला का कहना है। महिला को सुना गया, बाद में महिला अपना आपा खो बैठी, अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और उसने चिल्लाना चालू कर दिया। बाद में महिला की काउंसलिंग कराई गई और उसको पूरी तरीके से सुना गया। बाद में उसके भाई को बुलाकर भाई के साथ उसको सुरक्षित रवाना किया गया। और चूँकि अभी महिला सिर्फ चाची के साथ ही रहती है और उसी के साथ रहना चाहती है, उसका इलाज चल रहा है वर्तमान में, एस के जैन साहब के पास इलाज चल रहा है। काउंसलिंग के दौरान बताया कि आज उसने दवाई नहीं ली थी इसलिए उसको थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। उसके भाई को भी बुलाया गया तो भाई ने भी बताया कि जब ये दवाई नहीं लेती है तब इस प्रकार की हरकत करती है। तो ये पारिवारिक मामला है, तो अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। उसके पति को बुलाया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। वर्ष 2017 में कविता की शादी इंदौर निवासी एक युवक से हुई थी। पति से तलाक का केस चल रहा है। कविता ने बताया कि चाचा और चचेरा भाई उसे गालियां देकर प्रताड़ित करते हैं। जब वो थाने और अन्य जगह पर शिकायत करने पहुंची तो किसी ने भी उसकी सुनवाई नहीं की। इसी बात से वो दुखी हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, ग्वालियर।